नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कंसोल। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जापान सूचना। दोस्तों आज की वीडियो में बात कर लेते हैं, कुछ लोगों ने मुझे YouTube पे कमेंट्स करके कुछ क्वेश्चन करे हैं, सवाल पूछे हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में उनका आंसर देने की, और सारे कमेंट्स मैं इस वीडियो में नहीं ले पाया। जो कमेंट जो रह गए हैं, जो क्वेश्चन जिसके क्वेश्चन रह गए हैं, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उनको कंप्लीट करने की। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था, इस चक्कर में सबका रिप्लाई नहीं दे पाया। आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन मुझे आते हैं, जितने भी मुझे क्वेश्चन आते हैं मेल के जरिए आए या फिर YouTube पे आए, मैं कोशिश करूंगा अगर मैं वहाँ रिप्लाई नहीं कर पाया तो एक वीडियो बना के मैं आगे से रिप्लाई करूंगा। मिस्टर अजय सोपता लिखते हैं, जापान वर्क परमिट के बारे में बताइए प्लीज़। मिस्टर अजय, जापान वर्क परमिट के लिए सबसे पहले आपको एक एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है, एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है जापान में, जो आपका जो आपकी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जापान इमिग्रेशन ब्यूरो में जाके अप्लाई करे। और जब आप जब उसके हाथ में आपकी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेटर आ जाता है, वो आपको सेंड करता है ओरिजिनल कॉपी इंडिया या आपकी जो भी होम कंट्री है वहाँ पर। उसके बाद आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, अपने जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, जो भी एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, वो सब इकट्ठे करके आपको नज़दीकी जापान एमएससी में लगाने होते हैं या वीएफएस ग्लोबल में लगाने होते हैं, फिर वहाँ से आपको जापान का वीज़ा मिल जाता है। मिस्टर हनी हनी लिखते हैं, सर टूरिस्ट वीज़ा में जापान में शादी कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं प्लीज़ बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका मिस्टर हनी हनी। एक्चुअली आप शादी करने के बाद आपको वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसमें आपका स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई होगा। उसमें डॉक्यूमेंट जो आपके लगेंगे, वो जो लड़की जिसे आप शादी करना चाहते हैं वो आपकी स्पॉन्सर बनेगी आपके लिए स्पाउस वीज़ा में, उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसके बेस पे आपको स्पाउस वीज़ा मिल सकता है। बाबूजान मलिक लिखते हैं, सर 2019 में असाइलम वीज़ा के बारे में वीडियो बनाइए और राइट इन्फॉर्मेशन देना सर प्लीज़। मिस्टर बाबूजान मलिक, असाइलम वीज़ा के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट फिर भी मैं थोड़ा मोटी मोटी जानकारी अभी आपको बता देता हूं। असाइलम वीज़ा होता है रिफ्यूजी वीज़ा, बेसिकली इसको रिफ्यूजी वीज़ा भी कहते हैं और इसको इन हिंदी में शरणार्थी भी कहते हैं। बेसिकली असाइलम वीज़ा में होता यह है कि सपोज़ आप जापान में जॉब कर रहे हैं, आपको वीज़ा आपका रिन्यू नहीं हो पा रहा है, या आप टूरिस्ट वीज़ा में आए, या आपको शरणार्थी वीज़ा यहाँ पर लेना है, और ये इसको हम कह सकते हैं मुश्किल से भी मिलता है और आसानी से भी मिल जाता है। अभी बहुत सारे नेपालीज, बहुत सारे इंडियंस ऐसे यहाँ पे हैं जो असाइलम वीज़ा में रह रहे हैं। उस वीज़ा में ये है कि प्लस पॉइंट उसका ये है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। उसके लिए आपको पहले, जब आपको स्टार्टिंग में असाइलम वीज़ा मिलता है तो थोड़ा सा एक छोटा सा पीरियड के मिलता है, एक दो महीने, तीन महीने, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। और फिर उसके बाद आपको शुरू में आपको वर्क परमिट नहीं मिलता, आपको काम करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कुछ लोग फिर भी काम करते हैं उसमें। और जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आप कहीं भी काम करिए। और दूसरी बात उसमें यह होता है कि आप वापस अपनी होम कंट्री नहीं आ सकते, एक बार आप अपनी होम कंट्री आ गए तो दोबारा वापस नहीं आ सकते, एक बार आप अपनी होम कंट्री आ गए तो आ गए। हनी हनी ने एक और मैसेज किया है, एक क्वेश्चन और किया है, सर मैं इंडियन हूँ, मुझे जापान में शादी करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा प्लीज़ बताइए। वैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया, बट मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको, आप इंडियन हैं, आपको जापान में आके शादी करनी है, सबसे पहले तो आपको अपने लिए लड़की सर्च करनी पड़ेगी। लड़की सर्च करके जब आपका उससे लव हो जाएगा, उसके बाद आप जब शादी करोगे तो शादी करने करते टाइम आपने शादी कर ली, किसी चर्च में जाके कर ली, जैसे भी आपने कोर्ट मैरिज, जो भी जिस भी प्रोसीजर से अगर आपने आज शादी कर ली, उसके बाद वीज़ा के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो आपके स्पाउस वीज़ा के लिए जो आप अप्लाई करोगे, तो उस लड़की के डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो लड़की आपके स्पॉन्सर बनेगी कि हाँ मैं इस लड़के से शादी कर रही हूँ, और आपको स्पाउस वीज़ा फिर मिलेगा, वो भी स्टार्टिंग में कुछ लेवल का मिलता है, एक साल वगैरह ऐसा, फिर धीरे धीरे करके वो भी बढ़ता है। एक क्वेश्चन आया है मिस्टर मनी ठाकुर का, हेलो सर मैं टूरिस्ट वीज़ा पर आकर के मुझे क्या असाइलम वीज़ा मिल सकता है। मिस्टर मनी ठाकुर, आपको असाइलम वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा पे आके अगर आपको मिल तो सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी आपको। एक एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हो जापान इमिग्रेशन ब्यूरो में, वो आपको बुलाते हैं, इंटरव्यू आपका होता है, वहाँ पे आपको सवाल जवाब किए जाएंगे आपसे कि आप असाइलम वीज़ा, रिफ्यूजी वीज़ा आप क्यों आना लेना चाहते हैं। तो उसमें बेसिकली करना क्या होता है कि वहाँ पे जाके ये बोलना होता है कि मुझे अपनी कंट्री में ख़तरा है, वहाँ पे मार काट हो रही है, या कुछ ऐसा रिलीजियस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें उनको बतानी होगी। उनको आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वाकई आपकी जान का खतरा है आपकी कंट्री में, तब जाके आपको शरणार्थी वीज़ा कहें या रिफ्यूजी वीज़ा कहें या असाइलम वीज़ा कहें, तब जाके आपको मिलता है। और आप वेट करिए, मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिस्टर मनप्रीत सिंह लिखते हैं, सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, मैं जापान कैसे आ सकता हूँ। मिस्टर मनप्रीत, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, आप उसका
यूज जापान आके जॉब करके कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। लैंग्वेज करने के बाद आपको एक स्पॉन्सर सर्च करना होता है। आप इंटरनेट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जापान में किसी भी कंपनी में, आपको अपने फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। अपने फील्ड की कंपनी सर्च करके वहाँ पर आप अपना वीडियो या जो भी अपलोड करें, ताकि वो आपकी जो लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ पर एक अपना वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद उनको आपके अंदर जो काबिलियत हैं आप उस वीडियो में एक्सप्लेन करें उनको, और यदि आपको आप उनको पसंद आ गए तो ऑटोमेटिकली आपकी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी COE होती है, वो जापान इमिग्रेशन ब्यूरो में जाके अप्लाई करनी होती है। वो अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद जब उनके हाथ में वो आ जाएगी तो आपको सेंड करेंगे ओरिजिनल कॉपी, और फिर आपको अप्लाई करना होता है जापान एम्बेसी में जाके। इस तरह से आपको आप जापान आ सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझे मेल करिए, मैं आपको एक उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिस्टर रवि मेहता कहते हैं, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। थैंक्स मिस्टर रवि मेहता, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रिपेयर हो जाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिस्टर विनोद कुमार लिखते हैं, सर आप स्टडी वीजा पर एज का जिक्र नहीं करते हो, लास्ट एज क्या होती है स्टडी वीजा के लिए, और टूरिस्ट वीजा पर आकर एडमिशन इजी हो जाएगा या हार्ड है, प्लीज़ बताइए। मिस्टर विनोद, स्टडी वीजा यानी कि आप सपोज आप लैंग्वेज सीखने के लिए जापान आए, तो मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, आप किसी भी एज में आके यहाँ पे लैंग्वेज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग फील्ड का अलग अलग चीज़ें होती हैं। लैंग्वेज के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। अगर आप 40 साल या 45 साल या 30 जो भी आपकी एज होगी है, उस एज में जाके आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, इसके लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं है। आप किसी भी एज में जाके लैंग्वेज सीख सकते हैं, पर आजकल स्कूल वाले जो हैं वो कंसिडर करते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं, उस इंटरव्यू में उनको अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे जाके आपका जो भी होगा, उनको लगता है कि आप ओके हैं, तो आप आ सकते हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल जो भी स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल वाले ये एज को कंसिडर करते हैं और ज़्यादा एज होने पे ये मना कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपने कराया है कि टूरिस्ट वीजा पे आके क्या एडमिशन ईजी हो जाएगा। देखिए, अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आते हैं तो आपका 3 महीने का आपका टूरिस्ट वीजा होता है, तो जो जिस स्कूल से आप लैंग्वेज सीखने की बात करोगे, जिस स्कूल में आप एडमिशन की बात करोगे, वो स्कूल आपको उसी हिसाब का, उन्होंने टूरिस्ट वीजा के हिसाब से एक कोर्स बनाया होता है, तो वो आपका इजी भी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका 3 महीने के लिए आप आए हैं तो 2.5 महीने का कोर्स, 2.5 महीने में आपको ख़त्म करना पड़ेगा तकरीबन वो, तो वो कोर्स भी अवेलेबल हैं आजकल स्कूलों में। बाबूजान मलिक लिखते हैं, सर कुक में क्या 10 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, अगर कम होता तो चलेगा। बाबूजान मलिक, मिस्टर बाबूजान मलिक, नहीं चलेगा। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मस्ट है। अगर 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी हैं तो आपको कुक का वीजा नहीं मिलेगा। कुकिंग के लिए आपको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट है। एटलीस्ट 10 ईयर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप जापान में एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपका 10 ईयर्स इनकम्प्लीट है तो आपको वीजा नहीं मिल पाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी COE नहीं मिल पाएगी उसमें। मिस्टर नवदीप सिंह लिखते हैं, सर मेरे पास दुबई हैवी ड्यूटी लाइसेंस है, क्या मैं जापान का लाइसेंस बना के जापान में ड्राइविंग कर सकता हूँ, अगर यस तो कैसे, प्लीज रिप्लाई। मिस्टर नवदीप सिंह, आपके पास दुबई का हैवी लाइसेंस या कोई सा भी ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप जापान सिर्फ ड्राइविंग करने के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऑनलाइन जॉब सर्च करनी पड़ेगी अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बेसिकली श्रीलंकन काफ़ी हैं जो यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं, बड़े बड़े ट्रक चलाते हैं, वो जॉब ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। ऐसी खाइसा बेसिकली कंपनी को लिए कहते हैं, ऐसी कंपनी ऐसी खाइसा सर्च करके वहाँ पे आप अपना CV अपलोड कर दो, उनको ज़रूरत होगी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। लैंग्वेज के रिक्वायर्ड तो आपको फिर भी वहाँ पे भी पड़ेगी, जो भी लैंग्वेज होगी। अगर आप लैंग्वेज सीख के आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और फिर वही वो कंपनी वाले आपके सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी निकालेंगे, वो आपके पास आएगी, आप उसे अप्लाई करेंगे और आपको वीज़ा मिल सकता है। और उसके बाद जो है जापान आके आपकी एक और परीक्षा होगी, वो ये होगी कि आपका जो लाइसेंस है वो कन्वर्ट होगा जापनीज लाइसेंस में, जो आप जहाँ का भी आपका होम कंट्री का लाइसेंस है, दुबई का लाइसेंस आपका जापनीज में ट्रांसफ़र होगा। उसके लिए आपको जाफ जाना पड़ेगा, जाफ जाके अपना
पहले उसको इंग्लिश में जैपनीज में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ट्रायल होगा, फिर आपका लाइसेंस कन्वर्ट होगा। और वो ट्रायल कैसा होगा मैंने एक वीडियो में बताया था, अगर आपका वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आपको जैपनीज लाइसेंस मिल जाता है और फिर आप फ्री हो जाते हैं जापान की सड़कों पर, जापान के रोड पर गाड़ी दौड़ाने के लिए। मिस्टर वीरेंद्र सरियाल जी लिखते हैं, नाइस इन्फॉर्मेशन भाई, थैंक्स मिस्टर सरियाल, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिस्टर डी एन जी राजीव लिखते हैं, शेफ वीज़ा के लिए 25 ईयर्स ओल्ड आ सकता है जापान? सर मेरे पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर डी एन जी राजीव, एक्चुअली आपके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अभी एलिजिबल नहीं हुए, कुक वीज़ा को आपको नहीं मिल पाएगा, आई एम सॉरी, आपको 10 ईयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। मिस्टर कीर्तिलाल लिखते हैं, बहुत बहुत अच्छी वीडियो भाई जी, मैंने आपको बार बार बोला था वीडियो बनाने के लिए और आपने वीडियो बनाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मिस्टर कीर्तिलाल, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, आप अच्छे से मैसेज मुझे भेजते हो, मैं मोटिवेट होता हूँ और फिर एक नई वीडियो के लिए मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काबे लिखते हैं, योर वे टू एक्सप्लेनिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू, थैंक्स काबिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरमीत सिंह लिखते हैं, सर पर कैसे मिलते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। मिस्टर हरमीत सिंह, कैसे मिलते हैं मैं समझ नहीं पाया, आई एम सॉरी, आप दोबारा क्वेश्चन कंप्लीट करके भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम। और दोस्तों जिन लोगों ने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, अगर आप ये बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, थैंक यू सो मच।